वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, चलिए आज एक नया प्रोग्राम बनाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में दो ही वो हेडर फाइलें मैं जोड़ूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। दोनों हेडर फाइल्स क्यों जोड़ी है आपको पता ही है, stdio.h प्रिंटएफ स्कैनर को हैंडल करेगी जबकि conio.h clrscr और getcsh को हैंडल करेगी। इनके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां से देख सकते हैं डिटेल वीडियो। चलिए वॉइड में यहां से मेरा प्रोग्राम शुरू होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब मैं वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर टाइप के, तीन वेरिएबल बनाऊंगा मैं क्योंकि दो नंबर तो मुझे यूजर से लेने हैं और तीसरे वेरिएबल में उसका रिजल्ट प्रिंट कराऊंगा। तो नम वन, नम टू और माइनस और सेमीकोलन, इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल ले लिए हैं, इंट नम वन कोमा नम टू कोमा माइनस और सेमीकोलन, तीन वेरिएबल क्रिएट हो गए। फिर मैं नेक्स्ट लाइन में clrscr स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा। अब मुझे यूजर से इनपुट चाहिए तो मैं प्रिंटएफ वाली लाइन से यूजर को मैसेज प्रिंट करके इनपुट लूंगा। प्रिंटएफ फंक्शन की यूज करते हैं हम यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो प्रिंटएफ इनवर्टेड कॉमा के अंदर एंटर फर्स्ट नंबर, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। इससे यूजर के सामने एक मैसेज चला जाएगा कि मुझे फर्स्ट नंबर एंटर करना है। फर्स्ट नंबर जैसे वो एंटर करेगा तो हम scanf फंक्शन से उसको रीड करा लेंगे। किसी भी वैल्यू को रीड कराने के लिए सी में scanf फंक्शन का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा scanf ब्रैकेट ओपन इनवर्टेड कॉमा %d क्यों लिखा है, क्योंकि आने वाला नंबर जिसको आपको स्कैन करना है उसको कैसे स्कैन करना है, एज ए डेसिमल नंबर, डी स्टैंड फॉर डेसिमल, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू को आपको स्कैन करना है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज, एड्रेस ऑफ नम वन, ब्रैकेट वन और सेमीकोलन। जो भी वैल्यू आएगी वो किस वेरिएबल में चली जाएगी, नम वन में। जिस भी एड्रेस पे नम वन क्रिएट होगा वहां पे वो वैल्यू चली जाएगी। यूजर से पहली वैल्यू ले ली, अब मैं यूजर से कौन सी वैल्यू लेंगा, सेकंड वैल्यू, दूसरी वैल्यू हम यूजर से लेंगे। तो वापस मुझे मैसेज प्रिंट करना है यूजर को, तो मैं लिखूंगा प्रिंटएफ एंटर सेकंड नंबर। इस मैसेज को पढ़ के यूजर कौन सा नंबर डालेगा, सेकंड नंबर डालेगा। नंबर रीड कराना है तो फिर मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, स्कैनएफ। स्कैनएफ ब्रैकेट के अंदर इनवर्टेड कॉमा %d, डी फॉर डेसिमल, आने वाला नंबर इंटीजर टाइप का है, डेसिमल टाइप का है, इसलिए %d लिखा, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा एड्रेस ऑफ नम टू। तो सेकंड नंबर कहां चलेगा, नम टू में। फर्स्ट नंबर कहां सेव है, नम वन में। सेकंड नंबर कहां सेव है, नम टू में। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं लिखूंगा माइनस इक्वल टू नम वन माइनस नम टू और सेमीकोलन। मेरा आंसर दोनों नंबर को माइनस होकर किस में आ जाएगा, माइनस नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब मुझे इसी को यूजर को प्रिंट कराना है, तो मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन इनवर्टेड कॉमा द माइनस इज %d। %d क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए मैंने %d लिखा है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा माइनस। माइनस को ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, getcsh और प्रोग्राम क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं मैं subtract.c नाम से और रन करते हैं इसको। पहले कंपाइल कर लेते हैं Alt+F9 से, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करते हैं Ctrl+F9 से। देखिए कंसोल विंडो पे मैं से पूछा जा रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया। फिर कहा जा रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने सेकंड नंबर इंसर्ट कर दिया और देखिए द माइनस इज मेरे सामने आंसर आ गया है। इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है। प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ मैं आपसे।